जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। बड़ी बेसब्री से हमारे दर्शकों को आज के एपिसोड का इंतजार होगा कि अवध ओझा औरंगजेब पर क्या बोलेगा। मैं क्यों बोलूंगा किसी पर, मैं तो किताब है जेएल मेहता मध्यकाल, उसी से बोल रहा हूं। मैं कोई रिसर्च स्कॉलर थोड़े हूं कि मैंने रिसर्च किया और पीएचडी की और डॉक्टरेट की और मेरे अपने पेपर और फिर मैं वहां से बोल रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं कोच के रूप में बोल रहा हूं और निवेदन है औरंगजेब से पहले बोलने पर, औरंगजेब पर बोलने से पहले एक निवेदन है। अगर आपने औरंगजेब को मुसलमान की तरह देखा, मतलब मुसलमान बनकर अगर आपने औरंगजेब को देखा, तो आप उसकी गलतियों से कुछ सीख नहीं पाओगे। और अगर आपने औरंगजेब को हिंदू की नजर से देखा, तो आप उसकी उपलब्धियों से कुछ सीख नहीं पाओगे। आईएएस के मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को मैंने आज के इस कार्यक्रम का आधार बनाया है। आईएएस के मेंस का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, औरंगजेब एक बदनाम बादशाह है, बदमाश नहीं, बदमाश कहते तो फिर तो सारा खेल ही खड़ा हो जाता। आईएएस के मेंस का क्वेश्चन है ये, औरंगजेब एक बदनाम बादशाह है। खैर, इससे पहले मैं इस बदनाम और बादशाह की कहानी शुरू करूं, इस एपिसोड का मूल मंत्र है पढ़ो। मैं चाहता हूं हर युवा के हाथ में किताब आ जाए, एनसीईआरटी आ जाए, गीता आ जाए, कुरान आ जाए, उसके सोचने का तरीका देखने के तरीके में बदल जाए और इस देश के युवा पूरी दुनिया में कह सकें मेरा भारत महान। पढ़ो, सीखो, समझो और उन्नति करो। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। औरंगजेब, आरंभिक जीवन बड़ा निराशाजनक रहा। अकबर का आरंभिक जीवन, दोनों का व्यक्तित्व, अ मैन इज द आउटकम ऑफ हिज और हर सरकमस्टेंसेस। आप तेंदुलकर नहीं बन सकते, क्योंकि तेंदुलकर अपनी परिस्थितियों में पैदा हुआ है, उसका बेटा उस परिस्थितियों से नहीं गुजरा। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों की देन है, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी को इमिटेट करने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों ने डुप्लीकेट का रोल किया, अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट, संजीव कुमार का डुप्लीकेट, लेकिन वो डुप्लीकेट कभी असली हीरो नहीं बन पाए। अब अकबर के आरंभिक जीवन को अगर हम देखें और औरंगजेब के आरंभिक जीवन को हम देखें, शाहजहां ने विद्रोह किया, शाहजहां को दबाने के प्रयास में औरंगजेब को नजरबंद किया गया, उसको अपने पास रखा गया शर्त के तौर पर, गारंटी के तौर पर। जिसका जीवन यहां से शुरू हुआ हो, जिसने ये देखा हो कि राजशाही के गेम में कोई बाबा, बाप, पिता, चाचा होता ही नहीं, उसका स्वाभाविक तौर पर उस चीज का प्रभाव पड़ेगा। गुमसुम शांत सा रहने वाला इंसान औरंगजेब, धर्म के प्रति बड़ी रुचि, अच्छी बात है, धार्मिक होना कोई बुरी बात नहीं है, और धर्म व्यक्ति को ईश्वर बनाने के सूत्र बताता है। धर्म आम आदमी के लिए अफीम हो सकता है और होता ही है, लेकिन धर्म शाही के लिए मुक्ति का मार्ग है।
कुरान बताएगी ईमान कैसे आएगा, गीता बताएगी मोक्ष कैसे आएगा, बाइबल बताएगी लिबर्टी कैसे होगी, गुरु ग्रंथ साहिब बताएगा एक ओंकार सतनाम। बड़ी प्यारी चीज है धर्म। शाही वर्ग को मुक्ति का सूत्र बताता है और आम आदमी के लिए अफीम बन जाता है। और यह कयामत तक रहेगा। समाज का दो वर्गीकरण हमेशा रहेगा, कोई उसे पाट ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। एक शाही वर्ग, एक आम आदमी। औरंगजेब का आरंभिक जीवन चुनौती का जीवन, संकट का जीवन, परेशानी का जीवन। धार्मिक रुचि, परिवार से समाज से जब आदमी विमुख होगा तो धर्म की तरफ बढ़ेगा। धार्मिक होने पर सम्मान बहुत मिलता है। अगर 10 साल का बच्चा चंदन लगाने लगे, मंदिर जाने लगे तो लोग बड़ी तारीफ करेंगे, और मुसलमानों में तो और करेंगे। और तारीफ व्यक्ति की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ऐसा लगता है कि धर्म ने औरंगजेब को बड़ी इज्जत दिलाई। शाहजहां के 4 पुत्र, दारा आगरा में बैठा हुआ, शुजा बंगाल में, मुराद गुजरात, और औरंगजेब दक्कन में। 1657 के बाद शाहजहां की तबीयत खराब होनी शुरू हुई, और मुगलों में तो उत्तराधिकार का युद्ध एक आम बात रहा औरंगजेब के, अकबर के समय से, हुमायूं के समय से कहें तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब शाहजहां की तबीयत खराब होनी शुरू हुई तो सारे राजकुमार अपना सपना देखने लगे, लेकिन दारा के प्रति शाहजहां का एक अलग लगाव था, और शायद उस लगाव की वजह थी दारा की विद्वता। दारा ने अपने जीवन में एक अच्छा काम किया और वही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। दारा ने उपनिषद पढ़ लिया। आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर कि यह दारा की मौत का कारण बना। हां, दारा ने उपनिषद पढ़ लिया। उपनिषद पढ़ा तो पढ़ा, ट्रांसलेट करवाया फारसी में सिर्रे अकबर के नाम से, और उसने कहा कि इस्लाम और हिंदुइज्म का जो सूत्र है वो एक ही है, कॉन्सेप्ट एक है, ब्रह्म और अल्लाह, मुक्ति और मोक्ष। और वो इस कड़ी में पहला आदमी नहीं था। अभी भी आप चित्रकूट जाओगे, रहीम की झोपड़ी आपको मिलेगी जहां वो साधना करते थे। इस कहानी पर मैं आऊंगा जरूर कि आखिर ये कट्टरवाद पनपा क्यों और उसका अंग्रेजों ने कैसा इस्तेमाल किया। खैर, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। 1657 से सब जागरूक होना शुरू हो गए। दारा विद्वान, समझदार, और मां बाप को पढ़ा लिखा लड़का बहुत पसंद आता है, भले उसकी सेवा निकम्मा वाला करे, लेकिन मां बाप को पढ़े लिखे लड़के बहुत पसंद आते हैं। दारा भी अपने पिता का बड़ा खास, आगरा में मौजूद। तो शाहजहां ने ऑर्डर दिया कि जितने सामंत हैं अपने अपने तख्त के बगल एक तख्त लगवाया और दारा को उस पर बैठाना, मतलब युवराज घोषित कर दिया। औरंगजेब की अपनी महत्वाकांक्षा। अब औरंगजेब ने बाकी दोनों भाइयों को समझाया कि देखो भैया, हम तो ठहरे धार्मिक आदमी, हमारी सारी रुचि धर्म में है, हमको राजपाट से क्या लेना देना है, लेकिन मेरे जीवन का उद्देश्य है इस काफिर दारा को मारना। कह रहा है हिंदू धर्म और इस्लाम एक है,
उसने कहा मेरे जीवन का उद्देश्य है इस काफिर दारा को मारना। काफिर मुराद और शासूजा ने कहा कि बड़ा अच्छा उद्देश्य है, हम हैं तुम्हारे साथ। हाँ बोला बस हम इस काफिर दारा को मार दें, फिर दोनों ये राज्य दोनों भाई आपस में बांट लेना और हम तो चले मक्का। मुसलमानों को दुखी होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन इस देश का मुसलमान औरंगजेब की कहानियों से ज्यादा हजरत मोहम्मद की कहानियों को जानने लगेगा, उस दिन उसकी पूरी स्थिति बदल जाएगी। यही सूत्र है, आज मैं मंच से बोल दे रहा हूं, यही सूत्र। लोग कहते हैं यार मुसलमानों की दशा कैसे सुधरे, एक ही सूत्र है, बस एक। जिस दिन इस देश का मुसलमान औरंगजेब से ज्यादा हजरत मोहम्मद के बारे में जानने लगेगा, उनके सिद्धांत, उनकी कहानियां, उनके उपदेश, 5000% उसकी स्थिति बदल जाएगी। इसलिए मैं किताब बता रहा हूं, जेएल मेहता, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेएल मेहता, उनकी किताब Part 2, मेडिवल इंडिया मुगल हिस्ट्री। धर्मत का युद्ध हुआ, 3 युद्ध हैं उत्तराधिकार के युद्ध में, बड़े फेमस 3 युद्ध हैं, आप उन 3 युद्धों को जरूर पढ़ें, एक धर्मत, एक समूगण, एक देवराई। धर्मत का युद्ध हुआ, दारा के एक बहुत बड़े समर्थक जसवंत सिंह को पीछे हटना पड़ा, बड़ा निर्णायक युद्ध हुआ वो, बड़ा निर्णायक युद्ध हुआ। उस युद्ध ने औरंगजेब की हैसियत को बढ़ा दिया। जब आप वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में पहला मैच जीतते हो ना, तो एक अलग उत्साह पैदा होता है, और वो भी एक ताकतवर टीम के खिलाफ। तो धर्मत का युद्ध औरंगजेब ने जीता, और इस जीत ने एक अलग उत्साह पैदा किया औरंगजेब के खेमे में। समूगढ़ के युद्ध ने उस उत्साह को बढ़ाया, और 1659 देवराई के युद्ध ने यह कंफर्म कर दिया कि औरंगजेब हिंदुस्तान का अगला बादशाह है। दारा शिकोह को पकड़ लिया गया, भागते रहे वो, उनको पकड़ लिया गया, और पकड़ने के बाद उनके ऊपर विधर्मी होने का केस चलाया गया कि ये विधर्मी, इन्होंने इस्लाम की बेइज्जती की, और दारा शिकोह की हत्या हो गई। शासूजा के खिलाफ औरंगजेब ने अपने एक बहुत ही काबिल जनरल को लगा दिया, मीर जुमला, कि पीछा करो इसका। और मीर जुमला शासूजा को दौड़ाते दौड़ाते नॉर्थ ईस्ट पहुंच गया, पूर्वोत्तर। शासूजा को तो पता नहीं, मीर जुमला भी इस मिशन का शिकार हो गया। बचा मुराद, औरंगजेब ने मुराद से कहा कि भाईजान अब तो आप ही बचे, एक शो हो जाए रंगारंग। और मुराद के साथ शो देखते देखते मुराद को बनाया बंदी और ग्वालियर जेल में डालकर हत्या करा दी। क्या बुरा किया, यही तो है राजशाही का सिद्धांत, यही तो है राजशाही का सिद्धांत। इसमें बुरा क्या है, इसमें बुरा क्या है, जो आपके साथ दावेदार है उनको एलिमिनेशन करना, यही तो खेल है चेस का। आप और आपके भाई बैठ के चेस का खेल खेल रहे हैं, या तो गेम ही मत खेलो अगर भाई मानते हो, और भाई बन के खेलोगे और जीतने की आशा रखोगे। चेस और राजशाही दोनों के नियम एक है, या तो अपनों के साथ खेलो मत, और या जिसके साथ खेलो उसको अपना मत समझो, सिंपल। चेस और राजशाही, या तो अपनों के साथ खेलो मत, और या फिर जिसके साथ खेलो उसको अपना मत समझो, नहीं तो कभी नहीं जीतोगे।
लोग कहते हैं ना राजनेताओं का कोई भरोसा नहीं, ऐसा नहीं है, वो नियम है खेल का, ऐसा नहीं है, वो खेल का नियम है और वो उस नियम का पालन करते हैं। और 1659 उत्तराधिकार का युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब हिंदुस्तान की गद्दी पर और मुगल इतिहास के एक नए चैप्टर की शुरुआत। लेकिन जब मुगल काल का यह नया चैप्टर शुरू हुआ तो साम्राज्य दो चुनौतियों को जूझ रहा था। पहली चुनौती आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस, और दूसरी चुनौती आम विद्रोह। और उस दोनों चुनौती के संदर्भ में औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बड़े इल्जाम लगते औरंगजेब के ऊपर। भारत में एक तबका है जो कहता औरंगजेब विलेन है, और भारत में एक तबका है जो कहता औरंगजेब वली है, और दोनों तबके के पास सटीक जानकारी का अभाव है। दोनों, एक के पास नहीं, दोनों, दोनों के पास सटीक जानकारी का अभाव है। मैंने तो कभी कभी बड़े हैरत अंगेज बात रही मेरे जीवन में कि बड़े विद्वानों से, बड़े मुसलमान विद्वानों से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे जब मुद्दा छेड़ा औरंगजेब पर, तो मैंने देखा कि 99% विद्वान औरंगजेब को हर मुद्दे पर सपोर्ट कर रहे थे, हर मुद्दे पर। उन्होंने माना ही नहीं, कहा नहीं साहब ये तो इस वजह से किया था, इसके पीछे भी रीजन था, साहब ये तो इस वजह से किया था, इसके पीछे भी रीजन था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो एनसीईआरटी की पहली लाइन लिखती है कि औरंगजेब वॉज द लास्ट मुगल एम्परर बट ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। औरंगजेब किसी के लिए वली, किसी के लिए शैतान, उसको भी नहीं पता चलता होगा कि ये लोग जो मुझे प्यार कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो मुझे नफरत कर रहे हैं इनका क्या बिगाड़ा मैंने। और उसकी इतनी कहानियां, इतनी कहानियां, काफी खान ने उसकी कई कहानियों का वर्णन किया है। मैं उस कुछ कहानियां उसमें से निकालूंगा औरंगजेब का, आपको जरूर सुनाऊंगा वो कहानियां। अब औरंगजेब 1659 में जब गद्दी पर बैठा, चुनौती तो पहले से ही मौजूद थी, आर्थिक संकट और विद्रोह। ये पिक्चर अपने दिमाग में रखिए, 1659 और पीछे आर्थिक संकट और विद्रोह, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड रिवोल्ट। अब इस परिस्थिति में उसकी धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसी, एक रिलीजियस पॉलिसी अकबर की तौहीद इलाही, एक रिलीजियस पॉलिसी औरंगजेब की। अब औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी तीन चरण में, तीन फेजेस। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी पांच चरण में, पहला चरण लिबरल ऑर्डर्स, दूसरा चरण इबादत खाना, तीसरा चरण महजर, चौथा चरण इनविटेशन टू सेंट्स, और पांचवा चरण तौहीद इलाही। ये पांच चरण की हमने वहां चर्चा की। औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है उसके तीन चरण। पहला चरण धार्मिक और नैतिक नियमों से प्रभावित राजकीय आदेश, धार्मिक और नैतिक नियमों से प्रभावित राजकीय आदेश, यहां से उसकी शुरुआत हुई। जैसे जैसे जब वो गद्दी पर बैठा तो सिक्के पर जो कलमा लिखा जाता था उसने बंद करा दिया, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। बड़े सारे प्रोडक्ट, खासकर अगरबत्ती, हरि दर्शन अगरबत्ती, भगवान विष्णु की फोटो बनी है अगरबत्ती के पैकेट पे, हरि दर्शन और भगवान विष्णु की फोटो बनी, और लोगों ने अगरबत्ती निकाला और पैकेट कूड़े में फेंक दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि किसी भी वस्तु के का जो रैपर होगा उस पर किसी भी भगवान की फोटो नहीं लगाई जाएगी। इससे वर्ग विशेष की धार्मिक मान्यता या विश्वास आहत होती है। वही काम उसने भी किया, सिक्कों पर जो कलमा लिखवाया जाना था वो बंद कर दिया, सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया। नौरोज की समाप्ति है। नौरोज जो है ये पारसी नववर्ष है, इस्लामिक परंपरा नहीं, ईरानी परंपरा है।
बंद करा दिया। तीसरा मुहासिब, मॉरल पुलिस, मॉरल, नमाज मुसलमान पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, जुमे के दिन मस्जिद जा रहा है कि नहीं जा रहा है, शराब तो नहीं पी रहा है। यहीं से उसके धार्मिक नीति की शुरुआत। पहला चरण, धार्मिक और नैतिक नियमों से प्रभावित राजकीय आदेश। लेकिन जब व्यक्ति का स्वभाव पता हो तो उसके जो क्रियाकलाप होते हैं वो स्वभाव से जोड़कर देखे जाते हैं। अब शुरुआत से इसको धर्म में रुचि, अच्छी बात है। शाहजहां ने इसको ओरछा का कमांड दिया, ओरछा का विद्रोह, जुझार सिंह की जो मैंने आपने कहानी सुनाई, मैंने आपको, वहां जब ये कमांड लिया ओरछा का, वहां मंदिर गिराए इसने जाकर। गुजरात का जब कमांड लिया, चिंतामणि मंदिर को दूषित किया इसने। तो जब इसने ये कदम उठाए तो लोगों के मन में बातचीत शुरू हुई कि देखो मुसलमान हुए, देखो इस्लाम का कितना मानत है। उद्देश्य कुछ भी रहा हो, लेकिन लोगों ने इसके कदम को इसके स्वभाव से जोड़कर विश्लेषण शुरू किया, एनालिसिस शुरू किया, और लोगों के मन में यह बात गई कि चूंकि ये राजा इस्लाम के प्रभाव में है, धर्म के ज्यादा प्रभाव में है, तो अब धर्म का बोलबाला होगा। 1559 में ये गद्दी पर बैठा और पहला चरण धार्मिक और नैतिक नियमों से प्रभावित राजकीय आदेश संदेश चला गया। अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में 1669 जाट विद्रोह की शुरुआत, जाट विद्रोह को प्रोत्साहन, अफगान समस्या की शुरुआत, शिवाजी द्वारा दक्कन में चुनौती 1669। अब जोड़िए बैकग्राउंड को उसे कदम से जोड़िए। 1669 में उस कदम को शुद्धतावादी कदम कहते हैं, प्यूरिटैनिकल स्टेप्स। और उसमें सबसे पहला काम उसने किया, संगीत पर प्रतिबंध। अब कहते हैं इस्लाम में संगीत को मान्यता नहीं है, अच्छी बात है। अब फिर इसके किस कदम को, इसके इस कदम को स्वभाव से जोड़ के देखा जाएगा कि देखो इस्लाम में संगीत पर प्रतिबंध है, लेकिन आप मत जोड़िए, हरम में महिलाओं को संगीत जारी रखने की छूट, मुगल सरदारों को संगीत, सरदारों द्वारा संगीत को प्रोत्साहन। इसके इस काल में सबसे ज्यादा संगीत के ग्रंथों की रचना और औरंगजेब खुद वीणा वादक। तो इस्लाम से प्रभावित है, रुकिए थोड़ा सा, एनसीईआरटी उठाइए सतीश चंद्रा की, उसमें 18वां चैप्टर खोलिए, ओल्ड एनसीईआरटी, और धार्मिक नीति वाला चैप्टर औरंगजेब का खोलिए, पढ़िए उसे। संगीत पर प्रतिबंध, शुद्धतावादी कदम 11वें वर्ष में, यह दूसरा चरण। लेकिन बैकग्राउंड देखते रहिए, बैकग्राउंड पर नजर रखिए, संगीत पर प्रतिबंध। अब किसी व्यक्ति के पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आईएएस के इंटरव्यू का रिजल्ट आया उसमें हुआ नहीं, माताजी सीढ़ी से गिर गई उनकी टांग टूट गई, और उसी में घर में सुबह सुबह चार लोग आ गए तबला हारमोनियम लेके गाना गाने लगे, भजन मारेगा नहीं, उसको गुस्सा नहीं आएगा? आईएएस मेंस का रिजल्ट आया, इंटरव्यू का नहीं हुआ, पिताजी आईसीयू में, माताजी सीढ़ी से गिर गई, पैर टूट गया, ये पृष्ठभूमि देखिए। और उसी में सुबह 4 बजे लोग पहुंच गए गिटार उटर लेके घर में, ड्राइंग रूम में, और शुरू कर दिए छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैजनिया। सोचिए, कनेक्ट करके देखिए, पैसे की जरूरत है और तुम आके यहां जो है माहौल बना रहे हो। संगीत पर प्रतिबंध, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से तुलादान पर प्रतिबंध। आज भी लोग बर्थ बर्थ डे के दिन पैसा वैसा बांटते हैं ना, तुलादान, राजकुमारों को बर्थडे के दिन उनके हिसाब से तौला जाता था, उतनी संपत्ति रखी जाती थी, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, प्रतिबंध। तुलादान पे प्रतिबंध, मुंशी जो कोर्ट के मुंशी होते थे,
लिपिक जो लिखते थे वो चांदी के दवातों का इस्तेमाल करते थे, उसको हटा दिया गया, अब मिट्टी के दवात की इस्तेमाल करेंगे। इतिहास लेखन विभाग बंद, सबको पैसा देना पड़ता है। शुद्धतावादी कदम, मुसलमानों को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आरक्षण देने की कोशिश, लेकिन भारत में व्यवसाय व्यक्ति के जात से जुड़े हुए हैं। मुसलमान एक अच्छा आर्टिशन हो सकता है, शिल्पकार आज भी है, आज भी देखो जो भी हैंड से रिलेटेड वर्क है उसमें ज्यादातर मुसलमान है, लेकिन मुंशीगिरी का काम मुसलमान नहीं कर सकता। उसे एहसास हुआ इस बात का, उसने उस कदम को पीछे लिया, लेकिन उसके इस सारे कदम को उसके स्वभाव से जोड़कर देखा जा रहा था, और निरंतर उसके जो दुश्मन थे, जिनके हितों पे वो प्रहार कर रहा था, वो उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे कि ये देखो मुल्ला मुल्ला वाला काम कर रहा है, देखो इस्लाम में संगीत पर प्रतिबंध है, देखो इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर खुद वीणा बजाता था, खुद मुगल हरम की औरतें संगीत जारी, मुगल सरदारों के दरबार में संगीत जारी, संगीत पे सबसे ज्यादा ग्रंथ इसी के काल में, दरबारी संगीत पे प्रतिबंध लगाया, पैसे की जरूरत है भैया, तुलादान पैसे की जरूरत है, और तुम पैसा अपने हिसाब से तौल के बांटोगे, वहां दक्कन में जिंदगी दांव पे लगी हुई है और तुम चांदी की दवात में बैठ के लिखोगे, मिट्टी में लिखो, और इतिहास विभाग पर प्रतिबंध बैन, ये तो था दूसरा चरण, जो शुद्धतम रूप से आर्थिक संकट से जोड़कर देखने पर एक दूसरा रूप निकलकर सामने आता है। हो सकता है कहीं ना कहीं औरंगजेब की धार्मिक मान्यता भी इसमें शामिल हो, लेकिन जो मुख्य वजह है, मुख्य वो है इकॉनमी और आर्थिक संकट। और तीसरा कदम गैर मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण कार्रवाइयां, गैर मुसलमान नॉन मुस्लिम्स के प्रति भेदभावपूर्ण कार्रवाइयां। पहला, मंदिरों का विध्वंस। अब ऐसा कोई जनरल ऑर्डर नहीं है औरंगजेब का जिसमें उसने भारत के समस्त मंदिरों को गिराने का आदेश दिया हो, है ही नहीं। अब कोई डॉक्यूमेंट कहीं से निकला हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी कुछ मंदिर गिराए गए। मथुरा का मंदिर गिराया गया, काशी में मंदिर गिराया गया। अब यह बात बड़ी चौंकाने वाली है कि मथुरा और काशी क्यों? काशी क्या है? ज्ञान का केंद्र, किनाराम बाबा का आश्रम है, कभी आप जाइएगा देखिएगा, हिंदू मुस्लिम दोनों संत वहां रहते हैं, नवरात्र और रोजा दोनों वहां रहा जाता है, और जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मैं तो कहता हूं कि जिस तरह इस देश के लोग एक अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं बिना जाति और धर्म का, जिस तरह इस देश के लोग एक अच्छा शिक्षक ढूंढते हैं बिना जाति और धर्म का, उसी तरह जिस दिन इस देश के लोग एक अच्छा नेता ढूंढेंगे बिना जाति और धर्म का, उस दिन इस देश की दिशा बदल जाएगी। नेता महात्मा गांधी जैसा, नेता लाल बहादुर शास्त्री जैसा, नेता जयप्रकाश नारायण जैसा, नेता राम मनोहर लोहिया जैसा, नेता डॉक्टर अंबेडकर जैसा, जिस तरह से आप एक अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं बिना जाति और धर्म के, जिस तरह आप एक अच्छा शिक्षक ढूंढते हैं बिना जाति और धर्म के, उसी तरह से आपको एक नेता भी ढूंढना पड़ेगा बिना जाति और धर्म के। काशी, थट्टा, सिंध में थट्टा, यहां के मंदिरों पर उसने हमला किया। बड़ी सारी कहानियां हैं, उसमें से कहानी यह है, मैं वही कहानी उठाऊंगा जो किताब में लिखी, कि बड़े सारे मुसलमान स्कॉलर यहां के हिंदू विद्वानों से शिक्षा लेने आते थे। भाई बाबा रामदेव के पास बड़े सारे मुसलमान जाते हैं योग सीखने के लिए, सदगुरु के पास बड़े सारे मुसलमान श्याम बीवी क्रिया करते हैं, स्वामी अड़गड़ानंद जी के आश्रम में मैंने कई सारे मुसलमानों को भजन करते हुए देखा, ध्यान और सुमिरन,
सांस देखने में क्या हिंदू क्या मुसलमान, बुद्धिस्टों का सेंटर है विपासना, सांस देखना सिखाते हैं आन पान सत्ती, अब सांस देखने में क्या हिंदू क्या मुसलमान। तो ज्ञान की तलाश में कई सारे हिंदू थट्टा और काशी में पहुंच गए, कई सारे मुसलमान जिज्ञासु। आचार्य रजनीश के आश्रम में बहुत सारे मुसलमान संतों मुसलमानों ने आचार्य रजनीश से कहा कि महाराज हम आपकी सारी बात मान लेंगे, हम गैरिक वस्त्र नहीं पहन पाएंगे और ना हम आपकी माला पहन पाएंगे, क्योंकि अगर गैरिक वस्त्र और माला पहनकर हम बाहर निकले तो हमको 15 साल की तपस्या करने की जरूरत नहीं है, हमारा समुदाय हमको उसी वक्त मुक्त करवा देगा। कहते हैं औरंगजेब को यह बात बड़ी बुरी लगी कि मुसलमानों में विद्वान नहीं है, ये हिंदू जगहों पर पढ़ने की क्या जरूरत है, मथुरा का मंदिर, उसके पीछे जो सबसे बड़ी कहानी वो ये है कि जो जाट विद्रोही हैं ये मंदिर में शरण लेते थे। किताब की बात है, एनसीईआरटी और जेएल मेहता की लिखी हुई बात है, उसमें पढ़ लीजिएगा। इन विद्रोहियों का पीछा करते हुए मंदिर निशाना बने। भाई ऑपरेशन ब्लू स्टार चला अमृतसर में गोल्डन टेंपल में, किसके खिलाफ, भिंडर वाले के खिलाफ। इंडियन आर्मी एंटर की ना मंदिर में, मंदिर में। अब अगर सिख हिस्टोरियन इस बात को लिखें कि इंदिरा गांधी सिख धर्म को नुकसान पहुंचाना चाहती थी तो साक्ष्य तो वो दे ही देंगे। अब फिर औरंगजेब के कदम को उसके स्वभाव से जोड़कर देखा जाएगा कि है तो एक कट्टर मुसलमान, देखो मंदिर गिरावत। 1679 में इसने बहुत बड़ा कदम उठा लिया, जजिया को फिर से लागू कर दिया। अब उसके पीछे उद्देश्य इतिहासकार कुछ भी कहें, 1564 और 1679, 100 साल से ज्यादा इस विभिन्नतावादी देश ने जब यह भेदभाव नहीं देखा तो दर्द नहीं होगा। बहुत सारे मुस्लिम इतिहासकारों को मैं इसको डिफेंड करते हुए देखता हूं कि नहीं नहीं देखिए ऐसा है कि एक जो धर्म के उस पर चलने वाला आदमी है उसको धर्म को तो मानना ही पड़ेगा। अरे सरकार, धर्म एक व्यक्तिक चीज है, पर्सनल। हिंदुस्तान के राजा का आदर्श अशोक रहेगा हमेशा, हिंदुस्तान के राजा का आदर्श अकबर रहेगा, सबको साथ ले। ये विभिन्नतावादी मुल्क है चाचा, यहां तुम हिंदू बनकर शासन नहीं कर सकते, यहां तुम मुसलमान बनकर शासन नहीं कर सकते, यहां तुम्हें हिंदुस्तानी बनकर ही शासन करना पड़ेगा। कहा उलेमाओं में बड़ी बेरोजगारी थी, उस बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया। बोले मुस्लिम सरदारों को विश्वास जीतने की कोशिश, बोले प्रतिक्रियात्मक रिएक्शनरी कदम है, क्योंकि शिवाजी अपने आप को हिंदू धर्मोद्धारक कह रहे थे तो औरंगजेब अपने आप को मुस्लिम धर्मोद्धारक कह रहा है, इससे फायदा किसको होगा। चलो मान लिया प्रतिक्रियात्मक कदम है, मान लिया ठीक, फायदा किसको होगा, शिवाजी को। शिवाजी अपने आप को हिंदू धर्मोद्धारक कह रहे थे, हो सकता है बहुत सारे हिंदू सरदार इस बात को ना मानते, लेकिन जब आपने जजिया लागू कर दिया तो किसका स्टैंड मजबूत हुआ, शिवाजी का। शिवाजी ने फिर अपने सरदारों से कहा कि देखो मैं कहता था ना कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, इससे स्थिति मजबूत किसकी हुई, शिवाजी की। कितना भी तर्क दिया जाए, कितना भी इस कदम को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अब इन सारे कदमों में, इन तीनों चरणों में औरंगजेब के दुश्मनों को एक मौका मिल गया यह कहने का कि वो जो दारुल हर्ब है, गैर मुसलमानों का देश, उसको वो दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। जिन्ना ने भी तो बनाया पाकिस्तान को दारुल इस्लाम, क्या हाल है पाकिस्तान का, वहीं के लोग बाहर कहने में कतराते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं, वहीं के लोग। धर्म
व्यक्ति की मुक्ति का मार्ग है, राजनीति का नहीं। और जिस दिन धर्म राजनीति में घुस जाता है, उस दिन उस राजा को भी ले जाता है और राजनीति को भी ले जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।